अजी नाजरीन, इवेंट्स एंड हैपनिंग के व्यूवर्स के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शहनशाह अफरीदी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। जी, इंजरी के बाइस शहनशाह अफरीदी बाहर हो गए हैं, और पाकिस्तान स्क्वाड के जो नायब कप्तान हैं शादाब खान, इन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कि ये शहनशाह अफरीदी अब एशिया कप में नहीं खेलेंगे। शहनशाह अफरीदी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। अपडेट देनी थी शहीन के हवाले से, वो 4 to 6 वीक तक आउट हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम बात करें शहनशाह अफरीदी की, तो शहनशाह अफरीदी को श्रीलंका के दूसरे टेस्ट गाल में इनको इंजरी हुई थी, इनकी टांग में खिंचाव आया था, जिनके बाइस इनको MRI करवाई और उसमें पता चला कि इंजरी ज़्यादा सवेयर है, तो डॉक्टर्स ने जो पैनल बैठा था उनको रेस्ट का मशवरा दिया था, उसके बाद ये नहीं खेले थे। और जब पाकिस्तान टीम का कैंप लगा था पाकिस्तान में नीदरलैंड दौरा के लिए, तो तब भी आप ये विजुअल देख सकते हैं, मनाजिर पट्टी अपनी बांध के ये ग्राउंड में फिर रहे थे, कोई एक्टिविटी में नहीं इन्होंने शिरकत की, कोई बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं की, कोई कैच प्रैक्टिस, फील्डिंग, रनिंग कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से इनकी टांग पर और प्रेशर पड़े या खिंचाव आए, तो ये अपने आप को एशिया कप के लिए फिट करना चाहते थे। मगर अभी तक जो इतला मौसूल हुई है, और नायब कप्तान ने जो शादाब खान है उन्होंने बताया के एशिया कप से ये बाहर हुए हैं क्योंकि मुकम्मल फिट नहीं है। ये वीडियोस में आप देख सकते हैं पट्टियां करके फिर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नीदरलैंड दौरे की, तो नीदरलैंड तो आए थे मगर इन्होंने किसी प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया, तीसरे मैच भी नहीं खेल रहे शहनशाह अफरीदी। यहाँ भी आप देख सकते हैं फैंस के पास आए हैं, कॉरिडोर में हाथ लाया है, तस्वीर बनवाई हैं, इन्होंने ऑटोग्राफ दिए अपने नन्हे फैंस को भी और जो शायकीन क्रिकेट हैं, मगर ये खेलते नज़र नहीं आए, ना ही अभी एशिया कप में ये फैंस को नज़र आएंगे क्योंकि एशिया कप से बाहर हो गए हैं शहनशाह अफरीदी। और ये बड़ा एक बड़ा लॉस है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, बड़ा इवेंट था एशिया कप जिसमें भारत के साथ दो दफ़ा मदे मुकाबले आना था, और शहनशाह अफरीदी उनके लिए बड़े डेंजरस बॉलर थे, जिसकी वजह से इंडियन टीम को भी खुशी मिली होगी कि शहनशाह अफरीदी नहीं खेल रहे। शहनशाह अफरीदी का ना खेलना इंडिया के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एशिया कप में शहनशाह अफरीदी का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के मैच में देखा होगा शहनशाह अफरीदी ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी, बड़े ज़बरदस्त, जो भारत के साथ मैच था इन्होंने पहले ही ओवर में विकेट्स हासिल कर ली थी और इंडिया को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। मगर अब हसन अली भी नहीं है, हसन अली भी ड्रॉप कर दिए गए हैं और शहनशाह अफरीदी को भी एशिया कप से बाहर होना पड़ा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में आप बता सकते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट साकिब मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।